Fine. Okay. Termination ending process is called ending of translation. है ना? जैसे ही मशीनरी मीट करेगा तीन स्टॉप कॉडन्स को स्टॉप हो जाना है विद द हेल्प ऑफ रिलीज फैक्टर एंड जीटीपी. रिलीज फैक्टर यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, है ना. सबका सब यूनिट खत्म हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड मूव कर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉडिफिकेशन के लिए. हाँ जी बोलो. हाँ क्या बोल रहे थे? क्या बताया देगा फिर बताइएगा. एम्बिजिस कोडन. हाँ एम्बिग्यूअस कॉडन. एम्बिग्यूअस कॉडन कहने का मतलब होगा स्पेसिफिक कॉडन. स्पेसिफिक है मींस एक कॉडन सिर्फ और सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, है ना. कोडन्स के लिए हम लोग बोलते हैं नॉन, द कोडन्स आर नॉन एम्बिग्यूअस, ये शब्द यूज किया जाता है. कोडन्स की प्रॉपर्टी में यूज करते हैं हम लोग नॉन एम्बिग्यूअस, मतलब स्पेसिफिक. नॉन एम्बिग्यूअस कहने का मतलब एक कोडन कोड करेगा सिर्फ और सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए, ये हो गया नॉन एम्बिग्यूअस. और एम्बिग्यूअस का मतलब सिर्फ पूछोगे तो हम बताएंगे भैया ऐसा प्रॉपर्टी जो कि तुम्हारा एम्फो की तरह, एम्फीबियंस की तरह, एम्फोटेरी की तरह, एम्फीपैथिक की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना. एम्फी का शब्द, एम्फी शब्द का मतलब क्या होता है? जिसके पास ड्यूअल नेचर होता है, ड्यूअल प्रॉपर्टी होता है. एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से क्या समझते हो? एम्फीबियंस से जो पानी में भी रहे जमीन पे भी रहे, है ना. तो एम्बिग्यूस कहने का मतलब, यदि एम्बिग्यूस हम कहते हैं तो मतलब ये होता, एम्बिग्यूस का मतलब ये होता. फॉर एग्जाम्पल यू यू यू, है ना. यू 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 जनरली कोड्स फॉर फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, है ना. ये तो हो गया नॉन एम्बिग्यूस प्रॉपर्टी, है ना. यदि एम्बिग्यूस होता तो हम ये बोलते हैं कि यू 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 कोड कर रहा है लाइसिन के लिए भी, तब हम कहते हैं कि यू 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 इज अ एम्बिग्यूस कोडन. एम्बिग्यूस कोडन है ये. फाइन. तो नॉन एम्बिग्यूस बोलते हैं ना, क्योंकि वहां तो दो दो को. नॉन एम्बिग्यूस कहने का, एम्बिग्यूस कहने का मतलब होता है ए एम बी आई जी यू आई एस. एम्बिग्यूस कहने का मतलब दो प्रॉपर्टी शो करना, दो प्रॉपर्टी शो करना. देखो फिनाइल एलानिन को भी सिंथेसाइज कर सकता है, लाइसिन को भी. हम कहेंगे कि यू यू ई एम्बिग्यूस कॉडन है. ओके नॉन एम्बिग्यूस कहने का मतलब चीज कर सकता. नॉन एम्बिग्यूस कहने का मतलब स्पेसिफिक, कहने का मतलब होगा स्पेसिफिक. जैसे जीओजी मतलब मेथियोनिन को भी करता है. हाँ कौन सा? जीयूजी. ये मेथियोनिन के लिए कोड कर रहा है. नॉर्मली ये किसके लिए कर रहा है जी? वेलिन. वेलिन के लिए ना. सो नॉर्मली ये वेलिन के लिए कर रहा है, लेकिन ये पहला पोजीशन पे प्रेजेंट रहे, फर्स्ट पोजीशन ऑफ एमआरएनए पे रहे, देन इट कैन कोड फॉर व्हाट? मेथियोनिन. तब हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस जीयूजी इज अ एम्बिग्यूस कॉटन. सिर्फ जीयूजी के पास ही एम्बिग्यूस प्रॉपर्टी है. एम्बिग्यूस कहने का मतलब नॉट अ स्पेसिफिक. ये वेलिन के लिए भी कोड कर रहा है और मिथियोनिन के लिए भी कोड कर रहा है. मींस जीयूजी इज नॉट अ नॉन एम्बिग्यूस कॉडन, इट इज अ एम्बिग्यूस कॉडन. समझ में आया? एम्बिग्यूस का मतलब होता है ड्यूअल प्रॉपर्टी शो करना, ड्यूअल नेचर शो करना. तो कोडन्स के पास तो ऐसा प्रॉपर्टी है नहीं ना कि एक कोडन दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी दो अलग अलग अमीनो एसिड को कोड कर दे. ऐसा होगा तब तो हम लोग प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे यार. कोडन्स के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कौन सा अमीनो एसिड आएगा, है ना. सो सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, बताए होंगे हम जीयूजी एंड जीएजी, सॉरी गुक के बारे में बताए होंगे. वेलिन और मेथियोनिन कोड कर सकता है, कब कब करेगा ये भी बताया है ना. बताया ना कोडन्स आर स्पेसिफिक यूनिवर्सल, उस सेक्शन में बताए होंगे मतलब क्या होता है इसका, है ना. ठीक है, तो एम्बिग्यूस शब्द यूज करो या फिर स्पेसिफिक शब्द यूज करो. ठीक है, नॉन एम्बिग्यूस शब्द यूज करे या फिर स्पेसिफिक शब्द यूज करे, योर विश. फाइन फाइन.
यस सर। ठीक है, और कुछ डाउट होगा क्लियर अप कर लेंगे। ट्रांसलेशन खत्म होता है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स है वो हम बताएंगे अभी। कमान कमान गो थ्रू ट्रांसलेशन वंस। वीडियो कल देखे थे? वीडियो देखे थे? यस सर। ओके, समझ में आया होगा कुछ कुछ, कुछ तो समझ में आया ही होगा। बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छा प्रोसेस है ना ट्रांसलेशन का, फाइन है ना। तो जो इंटरेस्टेड है वो कैसे भी करके सीख लेगा, जो नहीं है उसको कितना भी करो वो सीखेगा नहीं। यदि जो ज्यादा तेज है वो एक बार भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, है ना। तो तेज लोग बहुत कम होते हैं, है ना। ठीक है, हम आगे बढ़े। Shall I move? Yes, आगे sir. बढ़ते हैं हम। ठीक है, लेट मी शेयर दिस फर्स्ट, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नया पेज से स्टार्ट करते हैं। इनहिबिटर्स ऑफ ट्रांसलेशन, है ना। ट्रांसलेशन का इनहिबिटर्स देखते हैं, उसके बाद हम जिक्र करेंगे इसके बाद जीनो रेगुलेशन के बारे में। फाइन, ये दिक्कत होता है इसमें। ये हो जाएगा कौन सा लेक्चर नंबर 12, 6, 12। इनहिबिटर के बारे में बता दूं मैं, इनहिबिटर ऑफ ट्रांसलेशन कौन से प्रोसेस है, कौन से केमिकल्स ये ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर सकते हैं, है ना। कुछ केमिकल्स होते हैं जो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं, देखते हैं और वो इनहिबिशन कहाँ कहाँ हो रहा है। फाइन, सो कुछ केमिकल्स का नाम दे रहा हूं मैं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन ठीक है, इनहिबिट करता है अमीनो एसिड, ओके, अमीनो एसाइल टीआरएनए टू राइबोसोम, है ना, ट्रांसफर को इनहिबिट करेगा ये। फाइन, इनहिबिट्स बाइंडिंग ऑफ, इनहिबिट्स बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए to ribosome. है ना, टेट्रासाइक्लिन को डाल देंगे यदि तो क्या हो जाएगा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होगा ही नहीं, या फिर बोल सकते हैं चार्ज टीआरएनए, पहला स्टेटमेंट नहीं होगा, चार्ज टीआरएनए राइबोसोम के साथ अटैच्ड ही नहीं होगा, है ना, टेट्रासाइक्लिन का यदि प्रयोग करते हैं हम लोग ट्रांसलेशन के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप बताना, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो। हाँ हाँ, एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा यहाँ पे, चार्जिंग भी हो जाएगा टीआरएनए का, है ना। अब टीआरएनए और आरआरएनए आपस में इंटरैक्ट करेंगे, बाइंड करेंगे,
है ना, mRNA पे आने के बाद वही नहीं स्टेप हो पाएगा, टेट्रासाइक्लिन यदि डाल देंगे हम। अमाइनो एसिटाइल देखिए, अमाइनो एसाइल, अमाइनो एसाइल, अमाइनो एसाइल tRNA, अमाइनो एसाइल tRNA याद करेंगे जब हम लोग एक्टिवेशन कर रहे थे तो किस प्रोसेस में था, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन देखते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या काम कर रहा है, ठीक है। ये इनिशिएशन को गड़बड़ करता है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, एंड कॉजेस मिसरीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्लोराम्फेनिकोल, इनहिबिट्स पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी, इनहिबिट्स पेप्टाइड ट्रांसफरेज activity, fine, okay, कहने का मतलब ये inhibit करेगा 23S RNA को और 28S RNA को, है ना, 28S, 23S RNA is inhibited, fine, ये इसको inhibit करेगा। देखते हैं एरिथ्रोमाइसिन किसको इनहिबिट करेगा, एरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट्स ट्रांसलोकेशन ऑफ एमआरएनए अलोंग राइबोसोम, इनहिबिट्स इनहिबिट्स ट्रांसलोकेशन एमआरएनए ओवर, या फिर ये ज्यादा सही रहेगा, राइबोसोम ओवर एमआरएनए, फाइन। और आखिरी में देखते हैं एक और नियोमाइसिन, इनहिबिट्स इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड एमआरएनए, इंटरेक्शन बिटवीन tRNA and mRNA, ठीक ना, कोई दिक्कत बताएंगे, जहां पे समझ में दिक्कत हो रहा होगा बताएंगे। सर इनहिबिट्स इंटरेक्शन बिटवीन tRNA एंड mRNA है, इनहिबिट्स इंटरेक्शन, इंटरेक्शन INTERACTION, इंटरक्शन मतलब टीआरएनए और एमआरएनए को इंटरेक्ट करने ही नहीं देगा, दोनों का आपस में जुड़ने ही नहीं देगा, है ना। जैसे कि ये रहा, दिस इज एमआरएनए, है ना, ये टीआरएनए भाई सब यहाँ पे चार्ज होके इंतजार कर रहे थे कि हमें जाके बाइंड करना है एमआरएनए के साथ, है ना, तो ये होने ही नहीं देगा, ये प्रोसेस होगा ही नहीं यदि हम यहाँ पे डाल देंगे नियोमाइसिन, नियोमाइसिन केमिकल डाल देंगे, तो ये हुआ इसका मतलब। ट्रांसलोकेशन हम लोग इलोंगेशन को ही ट्रांसलोकेशन कह रहे हैं, ट्रांसलोकेशन कहने का मतलब इलोंगेशन वाले को ही कह रहे थे, है ना, इलोंगेशन स्टेप हो रहा था ना, उसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, फाइन, ट्रांसलोकेशन वाले प्रोसेस को ही कहते हैं ना, सॉरी ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, इलोंगेशन, इलोंगेशन में क्या हो रहा था, राइबोसोम एक एक कोडोन आगे की तरफ बढ़ रहा था ना,
मतलब राइबोसोम ट्रांसलोकेट कर रहा अपने आप को एमआरएनए के ऊपर टुवर्ड्स 3 प्राइम. फाइन, समझ में आ गया? समझ में आया? यस सर. ओके गुड सर. फाइन, सो चलिए टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं. ट्रांसलेशन 100% खत्म हुआ. नाउ आई एम गोना डिस्कस जीन रेगुलेशन. जीन रेगुलेशन. जीन रेगुलेशन कहने का मतलब हम किस तरीके से जीन को कंट्रोल तरीके से रेगुलेट करवा सकते हैं. जब हमारा मन करेगा तब हम चाहेंगे कि जीन रेगुलेट करे, एक्सप्रेस हो. रेगुलेट करे मतलब एक्सप्रेस हो. जब चाहे कि बंद हो जाए, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाए, तो बंद हो जाना चाहिए, है ना. तो जीन रेगुलेशन कहने का मतलब जीन को कंट्रोल करना, कब सिंथेसिस होना है प्रोटीन का, कब सिंथेसिस नहीं होना है प्रोटीन का, है ना. तो इसको हम लोग कहेंगे जीन रेगुलेशन. एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लेना, कम करना है, ज्यादा करना है, एकदम रोक देना है, रैपिड करना है ना, इसको कहते हैं हम लोग जीन रेगुलेशन. दूसरा हेडिंग में भी स्टडी कर सकते हैं इसको हम लोग, लाइक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. फाइन, हाँ चलिए इसका डेफिनेशन कह दे रहे हैं. इट मींस, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन नहीं इसका मतलब समझा दे रहा हूं. इट मींस कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, controlling the expression of gene as per the requirement of cell. ठीक ना, cell जैसा demand करेगा उसी तरीके से हम उसी तरह हम नहीं cell करता है, ठीक ना, gene को regulate करेगा. Okay, ठीक है. तो जीन का रेगुलेशन कितने स्टेप पे हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जीन कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सिंथेसिस कर रहा था, ठीक है, कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद उस प्रोडक्ट का काम नहीं है, उस प्रोडक्ट का अब सिंथेसिस रोकना है, है ना. तो हम कितने स्टेप पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सिंथेसिस को रोक सकते हैं, वो भी एक प्रकार का कंट्रोल ही हो गया, है ना, है ना. जैसे कि मान के चलो, यदि मैं हाँ अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना. यू गाइस हैव ऑर्डर्ड समथिंग, है ना, आपने बुक ऑर्डर कर रहा है, फॉर एग्जांपल अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से. ओके, आपके पास नेबर से बुक मिल गया, किताब वो मिल गया, है ना. तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल कितने स्टेप्स पे कर सकते हैं. डिस्पैच हो गया उस समय कैंसिल कर सकते हो, है ना. आपके स्टेट में आ गया उस समय भी कैंसिल कर सकते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में आ गया उस समय भी कैंसिल कर सकते हो, डिलीवरी के लिए आउट हो रखा है उस समय भी फोन करके कैंसिल करवा सकते हो. तो आपने अपने प्रोडक्ट को रेगुलेट किया, कंट्रोल किया बहुत सारे जगहों पे. क्यों किया? क्योंकि आपको उसका जरूरत नहीं है, है ना. तो इस तरीके से किसी प्रोडक्ट को आप जल्दी मंगवा भी सकते हो, है ना. थोड़ा पैसा पे करना पड़ेगा ज्यादा, तो कंट्रोल कर रहे हो आप चीजों को. उसी की तरह जीन एक्सप्रेशन भी कंट्रोल किया जा सकता है ना. तो कंट्रोल करने के लिए बहुत भारी मैकेनिज्म होते हैं. यहाँ पे हम स्टेप्स बता रहे हैं जहां पर ज्यादातर जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है. फाइन, जीन रेगुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय और कंट्रोल एट सेवरल स्टेजेस. कैन बी डन एट सेवरल स्टेप्स. सबसे पहला सच एज, ठीक ना, पहला
एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. ना ट्रांसक्रिप्शन होने ही नहीं देंगे या होने देंगे, पहला चीज. दूसरा एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. ट्रांसक्रिप्शन हो गया है ना, उसके बाद हम रोकना चाह रहे हैं तब भी रोक सकते हैं हम, ठीक ना. सो इट कैन बी रेगुलेटेड एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल. फाइन, इसको हम रोक सकते हैं एट कैपिंग स्टेप होने नहीं देंगे, एट पॉली ए टेलिंग स्टेप, ठीक ना, एट स्प्लाइसिंग लेबल, ठीक ना. इतने सारे लेवल पे हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना. उसके बाद क्या होगा, एमआरएनए ट्रांसपोर्ट लेवल. एमआरएनए ट्रांसपोर्ट लेवल मतलब न्यूक्लियस से हम एमआरएनए को बाहर निकलने ही नहीं देंगे, नॉट अलाउिंग एमआरएनए to move to kaha cytoplasm. Fine. Four, translational label. Translational label. Translation label. Translation होने नहीं देंगे, है ना. अभी अभी हमने जितना एंटीबायोटिक्स या केमिकल का नाम लिया है वो सब डाल देंगे, ट्रांसलेशन नहीं होगा. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन लेबल. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन लेबल है ना, इस लेवल पे रोक सकते हैं हम लोग. सर उसमें कैपिंग स्टेप क्या है? कैपिंग, कैपिंग का मतलब 5 days कैपिंग. 5 days कैपिंग कैप कर रहे थे ना, याद करो, ग्वानिन का एडिशन करवा रहे थे हम लोग 5 days पे, याद आया? यस सर. इतने सारे जगह पे हम कंट्रोल कर सकते हैं. सबसे फेमस है आपका ये वाला जेनेटिक और जीन रेगुलेशन एट ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. ट्रांसक्रिप्शन ही होने नहीं देंगे, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो ट्रांसलेशन वगैरह आगे की ओर बढ़ सकता है. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या क्या है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहने का मतलब जो पॉलीपेप्टाइड बना है साइटोप्लाज्म में उसको जाना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना. अनवांटेड अमीनो एसिड को काट के हटाया जाएगा, है ना. कुछ कुछ उसके अंदर है ना, क्या बोलेंगे, दूसरे एमिनो एसिड का एडिशन होता है, नॉट स्टैंडर्ड एमिनो एसिड का एडिशन होता है. याद करो बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में बताया थे, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड सिर्फ 21-22 है, लेकिन फंक्शनल प्रोटीन में हमारे शरीर के अंदर 100 से भी ज्यादा एमिनो एसिड एग्जिस्ट करता है. कैसे एग्जिस्ट करता है? बहुत सारे एमिनो एसिड ऐसे हैं जो ट्रांसलेशन के बाद है ना, मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के दौरान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आने के बाद ऐड होते हैं ना. अब अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, उसके अंदर ग्लूकोज का एडिशन होगा, फैट का एडिशन होगा ना, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है, कार्बोहाइड्रेट का एडिशन होगा, है ना. लाइपोप्रोटीन बनाना है तो लिपिड का एडिशन होगा अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड के ऊपर. तो मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? यस, है ना, इस तरीके से. और कुछ पूछना चाहेंगे? हेलो, ठीक है. हेलो,
ठीक है, पूछेंगे और कुछ, और कुछ पूछेंगे? ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े हम। यस सर। ओके, चलिए यहाँ पे हम बोले थे ना, यहाँ पे हम लोग को एक चीज पढ़ना है डिटेल में, दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, है ना। बस इसी के बारे में पढ़ना, पहला ही पॉइंट के बारे में डिटेल में पढ़ना है, फाइन। ओके, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल है ना, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, है ना, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हम लोग तो है ना। चलिए एक वेट ए मिनट, ठीक है, थोड़ा रुकेंगे, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं हम, दैट इज जीन बैटरी मॉडल, है ना, एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं, जीन बैटरी मॉडल समझाते हैं आप लोगों को, है ना। जीन बैटरी मॉडल में छोड़िए, मोटा मोटी हम आप लोग को समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डीएनए, ओके, ये डीएनए है, ओके, तो इस डीएनए पे कुछ कुछ सेगमेंट्स होते हैं, डीएनए पे कुछ कुछ सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि रेगुलेटर होते हैं, प्रोमोटर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, है ना, रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, फाइन। यहाँ पे हम इसके बारे में बता चुके आप लोगों को, ऑपरेटर के बारे, प्रोमोटर के बारे में भी बता चुके हैं, फाइन। रेगुलेटर क्या होते हैं इसके बारे में जानना है, ऑपरेटर इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, है ना। सो एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे, दैट इज ब्रिटन एंड डेविडसन, है ना, इन्होंने एक मॉडल दिया था, दैट इज कॉल्ड जीन बैटरी मॉडल, ठीक है। जीन बैटरी मॉडल ये बताता है कि एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट्स में बहुत सारे सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे ना, वो सेगमेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन एक्सप्रेशन में, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन में, ठीक ना। जीन बैटरी मॉडल बताते हैं हम, जीन बैटरी मॉडल गिवन बाय बर्टन एंड डेविडसन, क्वेश्चन आता है जीन बैटरी मॉडल किसने दिया था, तो आपको नाम देना पड़ेगा साइंटिस्ट का, ठीक है। जीन बैटरी मॉडल गिवन बाय बर्टन एंड डेविडसन, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं इसका क्या स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, अकॉर्डिंग टू them, a segment of gene has subgene
which functions to get it. To achieve a particular goal. ठीक ना, दीज जैसे कि मैंने बताया जीन सेगमेंट है, उस पर क्या क्या चीजें रहेंगी, रेगुलेटर रहना है, प्रमोटर रहना, ऑपरेटर रहना, स्ट्रक्चरल जीन रहना, ठीक ना, सब साथ में मिल के काम करेंगे और पार्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करेंगे, है ना। ये सब जीन्स क्या होते हैं, सब जीन में प्रेजेंट रहेगा, सारे जीन में प्रेजेंट रहेंगे ये सब जीन्स। सब जीन्स आर, ठीक है, रेगुलेटर है ना, इनहेंसर, इनहेंसर रेगुलेटर हो गया, इनहांसर हो गया, ऑपरेटर हो गया, प्रोमोटर हो जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन्स हो जाएंगे, एटीसी और भी कुछ कुछ हो सकता है ना। सो जीन बैटरी, बैटरी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है ना, देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, फाइन, इस तरीके से ये बैटरी हो गया है ना, और ये बैटरी अलाइन है आपके डीएनए पे, फाइन, दिस इज डीएनए। तो ये जो बैटरी होंगे, बैटरी रिप्रेजेंट करेगा सब जीन, जैसे कि रेगुलेटर हो गया है ना, रेगुलेटर हो गया, प्रोमोटर होगा, ऑपरेटर होगा, और स्ट्रक्चरल जीन होंगे, है ना। तो लग रहा है ना बैटरी का तरह अरेंज है ये सब सेगमेंट्स, फाइन। चलिए बता रहे हैं, सबका फंक्शन बता रहे हैं। रेगुलेटर, अरे जी है ना, जो रेगुलेटर है ना, ये प्रोटीन बनाएगा, दैट प्रोटीन मे बी पॉजिटिव प्रोटीन और नेगेटिव प्रोटीन, है ना। पॉजिटिव प्रोटीन बोलेंगे जब प्रोसेस को करवाएगा, है ना, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाने में मदद करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूसर, है ना, इनहेंसर्स, या फिर प्लस प्रोटीन, पॉजिटिव प्रोटीन, ये सब हम बोल सकते हैं, है ना। रेगुलेटर जीन यदि कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसके चलते हमारा प्रोसेस हाल्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग इनहिबिटर बोलेंगे, है ना, उसको इनहिबिटर बोलेंगे। रेगुलेटर क्या होगा, इट इज अ जीन सेगमेंट, है ना, जीन सेगमेंट है, विच कैन बी इंड्यूसर, ठीक ना, विच कैन बी इंड्यूसर और इनहिबिटर, है ना, इनहिबिटर भी हो सकता है या फिर इंड्यूसर भी हो सकता है, फाइन सर, फॉर व्हाट, ठीक है, प्रोसेस के लिए, ठीक है। इनहिबिटर कहने का मतलब इनहिबिटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक ना, फॉर व्हाट, फॉर, ठीक ना, इनहिबिटर फॉर, इनहिबिटर फॉर ट्रांसक्रिप्शन, है ना, इनहिबिटर फॉर ट्रांसक्रिप्शन,
ये हो जाएगा इन इन एक्टिवेटर फोर, एक्टिवेटर फोर ट्रांसक्रिप्शन. फाइन है ना, समझे? यस सर. कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हो गया रेगुलेटर. प्रमोटर, प्रमोटर के बारे में तो बता ही चुका हूं मैं पहले भी, है ना. प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर एंड ऑपरेटर दोनों एक साथ कर देता हूं, ठीक है. प्रमोटर ऑपरेटर का काम होता है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए जगह दे, एंड ऑपरेटर. फाइन, ठीक है. प्रोवाइड्स स्पेस फॉर द बाइंडिंग ऑफ, फॉर द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. फाइन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, ठीक. स्ट्रक्चरल जीन देख लेते हैं. स्ट्रक्चरल जीन क्या है, है ना. स्ट्रक्चरल जीन के पास वो मैसेज होगा जो कि फाइनली डिकोड होना है किसमें, प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है. स्ट्रक्चरल जीन एक्चुअली विल डिकोड इनटू, डिकोड इनटू पॉलीपेप्टाइड, ठीक है. फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. हम आगे बढ़ते हैं. अब ये हो गया हाइपोथेसिस खत्म. नाउ आई एम गोना डिस्कस यू लेक ऑपेरॉन, है ना. आई एम गोना डिस्कस यू ऑपेरॉन के बारे में, ऑपेरॉन सिस्टम, ठीक है. ऑपेरॉन सिस्टम, ऑपेरॉन सिस्टम का मतलब ही होता है कि डीएनए सेगमेंट के ऊपर, है ना, कुछ कुछ सब सेगमेंट्स प्रेजेंट रहना जो साथ में मिल के काम करेंगे टू अचीव ए पार्टिकुलर गोल. सेम है जीन बैटरी मॉडल जो दिया गया था ना यहाँ पे, ये जो बताया है ना, कहाँ क्या जीन बैटरी मॉडल, उसी का तरह है ऑपेरॉन सिस्टम. ऑपेरॉन सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ ठीक है, इट इज कलेक्शन ऑफ सब जीन्स ठीक है, सब जीन विच कैन वर्क टूगेदर, ठीक है, जो साथ में काम कर सकता है, ठीक है. विच कैन वर्क टूगेदर टू अचीव एक गोल, पर्टिकुलर फाइन. सो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं ऑपेरॉन का, एग्जाम्पल ऑफ ऑपेरॉन, है ना. लैक्टोज ऑपेरॉन, लैक्टोज ऑपेरॉन दैट इज कॉल्ड लेक ऑपेरॉन, है ना. दूसरा हो जाएगा ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, इसको हम लोग कहेंगे टीआरपी ऑपेरॉन. फाइन, उसके अलावा और भी है, अराबिनोज, अराबिनोज ऑपेरॉन, है ना, हिस्टिडिन ऑपेरॉन, हिस्टिडिन ऑपेरॉन है, ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक ना, आर्जिनिन है, ठीक है. ये सब ऑपेरॉन्स हो गए सर. ये सब तो सब डीएन जीन के अंदर है, मतलब क्या ऑपेरॉन, ऑपेरॉन के मान के चलिए कि एक पार्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करने वाला डीएनए सेगमेंट दैट इज कॉल्ड ऑपेरॉन, है ना. यदि मैं बोलूंगा लैक्टोज ऑपेरॉन, तो लैक्टोज
ठीक ना, लैक्टोज को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसके आसपास जितने भी मददगार वस्तुएं हैं उन सब का सिंथेसिस होना, मतलब लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म में कितने मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी, उन सभी चीजों का सिंथेसाइज होने के लिए जो एक डीएनए सेगमेंट होगा उस पार्टिकुलर को, पार्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग कहेंगे लैक्टोज ऑपेरॉन, है ना। एंड ऑपेरॉन सिस्टम हम नाम दे रहे हैं ना, एक्चुअली में वो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ओके, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट रहता है ऑपेरॉन सिस्टम। फाइन, आगे बढ़े आगे बढ़े, है ना। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं लैक्टोज ऑपेरॉन। ओके, लैक्टोज ऑपेरॉन डिस्कस करने वाले, लेट मी चेक ये शेयरेबल है कि नहीं। लैक्टोज ऑपेरॉन हम स्टार्ट करते हैं अगले पेज से। फाइन, तो ये लेक्चर नंबर कौन था, 12 है ना, 13 हम कर रहे हैं, ठीक है। तेरह हो जाएगा, ठीक है, 12.6 point, मैं इसको 13 कर दे रहा हूँ, क्लास कितने बजे तक है, 6:30, देखते हैं लैक्टोज ऑपेरॉन खत्म कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। लैक्टोज ऑपेरॉन which plays role in the metabolism of lactose, है ना। चलिए बताते हैं हम आपको, लैक्टोज ऑपेरॉन डीएनए का सेगमेंट होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, सब देखते जाएंगे क्या क्या है ये, रेगुलेटर ऑपरेटर, दिस इज लेक जेड, लेक वाई, ए, फाइन। कहीं पे प्रेजेंट रहना है ऑपरेटर प्रमोटर, दिस इज रेगुलेटर, प्रमोटर, रेगुलेटर, है ना, इस तरीके से समझेंगे। सबका प्रोडक्ट ये डीएनए ही है, ये क्या है, डीएनए है ना। This is promoter, ये promoter है आपके इसके लिए, ठीक ना, regulator के लिए promoter है, promoter sorry regulator, ये gene है, है ना, gene है ये, regulator gene, regulator gene है, fine। देखते हैं regulator gene क्या कर रहा है ना, regulator gene actually में कुछ प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पे, है ना। दिस जीन सिंथेसाइजेस सिंथेसाइजेस इनहिबिटर, ठीक है, ये इनहिबिटर या फिर रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा यहाँ पे, सिंथेसाइजेस inhibitor called repressor protein, ठीक है। क्या बनाना है,
रिप्रेसर प्रोटीन बनाना है. फाइन, रिप्रेसर प्रोटीन कुछ इस तरीके से होगा. है ना, ये रिप्रेसर प्रोटीन हुआ. फाइन, आगे देखते हैं क्या है. प्रोमोटर ऑपरेटर, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, है ना. यहाँ पे आके बाइंड करना है क्या, आरएनए पॉलीमरेज. फाइन, देखते हैं लैक्टोज जेड क्या सिंथेसिस करता है. डीएनए है, इससे एमआरएनए बनेगा, है ना. इसका भी एमआरएनए बनेगा और इसका भी एमआरएनए बनना है, है ना. इसका भी एमआरएनए बनना था, ये जो रेगुलेटर हम यहाँ पे बनाए ना, इसका भी एमआरएनए बनना है. फाइन, एमआरएनए के बाद ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन के बाद बन गया यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन. सर वो क्या था, ऑपरेटर. ऑपरेटर ऑपरेटर सिंपली प्रोमोटर को थोड़ा मदद करता है कि अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए. ठीक है, सबका एमआरएनए बनना है, तीनों का एमआरएनए बना, है ना. अब यहाँ पे होगा जो एमआरएनए बनने वाला प्रोसेस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, है ना. अब यहाँ पे होना है ट्रांसलेशन. अब यहाँ पे हुआ ट्रांसलेशन, देखते हैं ट्रांसलेशन के चलते क्या क्या बना यहाँ पे. ओके, लेक्जेड के चलते यहाँ पे एक एंजाइम बनेगा, दैट इज कॉल्ड गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज. फिर से रिपीट करें हम, ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं. इसके चलते, इस एमआरएनए के चलते एक एंजाइम बनेगा, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, GALACTOSIDASI, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनना है. फाइन, किसके चलते, लेक्जेड के चलते. के चलते क्या बनना है, लैक्टोज परमीएज. सबका फंक्शन बताएंगे हम, ठीक है, लैक्टोज परमीएज बनना है. फाइन, और इसके चलते लेक ए के चलते बनना है यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेज. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप करता है ये, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज बोलेंगे इसको. ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस है ना, ट्रांस एसिटाइलेज. सबका फंक्शन बता दे रहा हूं मैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ठीक है, फंक्शंस, ठीक है. रिप्रेसर प्रोटीन का पहले जिक्र कर रहा हूं मैं, रिप्रेसर प्रोटीन, है ना. रिप्रेसर प्रोटीन एक प्रकार का इनहिबिटरी प्रोटीन है. इट इज इनहिबिटरी, इनहिबिटरी प्रोटीन, ठीक ना, बाइंड्स विथ और बाइंड्स एट प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर रीजन, एंड इनहिबिट्स एंड देयर बाय. फॉर एग्जाम्पल, प्रोमोटर रीजन पे तो रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर दिया, तो क्या वहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, एंड देयर बाय इनहिबिटिंग इनहिबिटिंग द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, है ना. देखेंगे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करना है ना, प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन पे. लेकिन यहाँ पे तो जाके पहले से बाइंड कर रिप्रेसर प्रोटीन, तो रिप्रेसर प्रोटीन यदि बाइंड कर जाएगा इस पार्टिकुलर रीजन पे, पॉलीमरेज विल नॉट गेट द चांस, विल नॉट गेट द स्पेस टू बाइंड विथ दिस पार्टिकुलर रीजन. तो जब तक आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा, तब तक तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, है ना.
तब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रिप्रेसर प्रोटीन। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज देखते हैं। साइडेज एंजाइम लग रहा है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यस, दिस इज एन एंजाइम। ये एंजाइम लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। फाइन, इट इज एन एंजाइम, एन एंजाइम रिक्वायर टू ब्रेक लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड गैलेक्टोज, है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड करना है, तोड़ देना है। ये फंक्शन हुआ बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। अभी ये सब सीखते जाओ, आगे बताएंगे इन सबका यूज कहाँ होना है। नेक्स्ट परमीएज, लैक्टोज परमीएज देखते हैं, है ना। लैक्टोज परमीएज, परमीएज का मतलब है परमिशन देना, है ना। अलाउज द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू सेल, लैक्टोज इनटू बैक्टीरियल सेल। Fine. Next, transacetylase. है ना, transacetylase का function होता है transfer of acetyl group to detoxify something, है ना, allows or क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप, ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप फॉर डिटॉक्सिफाइंग द टॉक्सिक इफेक्ट। फाइन, बताएंगे कहाँ यूज होना है इसका। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज ऑपेरॉन। सो लैक्टोज ऑपेरॉन इज अ कलेक्शन ऑफ सब जीन्स। ओके, इस जीन के अंदर लैक्टोज को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम बनेगा, लैक्टोज को अलाउ करने के लिए एक एंजाइम बन रहा है, है ना, एक डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला एंजाइम बन रहा है, और एक रेगुलेटरी एंजाइम बन रहा है, दैट इज कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन। एंजाइम नहीं, सॉरी, प्रोटीन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन। फाइन, ये होता है लैक्टोज ऑपेरॉन। चलिए, अब हम कंडीशन दे रहे हैं यहाँ पे। कंडीशन ये है कि बैक्टीरिया के पास, है ना, बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों है। लिसन केयरफुली, लैक्टोज ऑपेरॉन जो पढ़ रहे हैं वो बैक्टीरिया के केस में होगा। लैक ऑपेरॉन एग्जिस्ट इन बैक्टीरियम, है ना, बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है। फाइन, ध्यान से सुनेंगे। बैक्टीरिया के पास दो ऑप्शन है खाने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए। सो बैक्टीरिया हैज ग्लूकोज एंड लैक्टोज आल्सो। ठीक है, नाउ टेल मी, बैक्टीरिया क्या प्रिफर करेगा, लैक्टोज का इस्तेमाल करना प्रिफर करेगा या ग्लूकोज का इस्तेमाल करना प्रिफर करेगा? थोड़ा सा अपने से दिमाग लगा के बताएंगे। ठीक है, क्या खाना चाहेगा, क्या यूज करना चाहेगा बैक्टीरिया, ग्लूकोज या लैक्टोज? वेरी गुड। ठीक ना, बैक्टीरिया ही नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले प्रिफर्ड, ना, सबसे पहला प्रिफर्ड सब्सट्रेट होगा रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज। हमारे लिए भी, ह्यूमन बींग के लिए भी, है ना, हमारे लिए भी पहला प्रिफर्ड सोर्स होगा ग्लूकोज। यदि कोई बोलेगा कि आप भात खा लीजिए, रोटी खा लीजिए या फिर ग्लूकोज खाइए, आल गो फॉर ग्लूकोज, है ना, हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, है ना, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, ग्लूकोज पी लेंगे तुरंत, वो सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पे जाएगा, एनर्जी देगा, पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा, क्रेब्स साइकिल फॉलो करेगा, तुरंत ज्यादा एनर्जी दे देगा, है ना। इसलिए तो एथलीट्स को इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग नींबू पानी, ग्लूकोज देते हैं,
ना कि हम लोग भात खिलाते हैं उसको या फिर रोटी खिलाते हैं या बर्गर खिलाते हैं, देखे हो ना, इसीलिए ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे प्रेफर्ड बेस्ट रिस्पिरेटरी सब्सट्रेट है ग्लूकोज। फाइन, ग्लूकोज इट इज द मोस्ट suitable and preferred source for respiration, है ना, respiration सभी के लिए है। एक चीज ये, दूसरा चीज ये बताओ, अब मान के चलो preferred source तो हमारा glucose है, लेकिन मीडियम में ग्लूकोज है नहीं, आसपास ग्लूकोज है नहीं, तो क्या करेंगे, भूखे मरेंगे या फिर कोई दूसरा अल्टरनेट ढूंढेंगे? दूसरा अल्टरनेट ढूंढेंगे। वेरी गुड, है ना। तो बैक्टीरिया भी दूसरा अल्टरनेट ढूंढता है, तो बैक्टीरिया को दूसरा अल्टरनेट के फॉर्म में लैक्टोज मिलता है ना। नॉर्मली वो चाहेगा कि हम ग्लूकोज ही कंज्यूम करें, लेकिन ग्लूकोज ना रहे तो बैक्टीरिया लैक्टोज का भी इस्तेमाल कर सकता है अपने आप को जीवित रखने के लिए। And if the glucose is absent in the medium, then bacteria can follow or can use lactose for respiration, ठीक है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, समझ में आया ये, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कंडीशन को लेके चलते हैं, यहाँ पे जब ग्लूकोज एब्सेंट है या प्रेजेंट है, आप लोग बताओगे किस कंडीशन को लेके चलूं मैं, पहले ग्लूकोज एब्सेंट कर दूं या फिर प्रेजेंट कर दूं? प्रेजेंट कर देता हूं, ठीक ना। केस वन, when glucose is present in the medium, fine, जब ग्लूकोज मीडियम में प्रेजेंट है। अच्छा, जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो क्या लैक्टोज वाला एंजाइम जरूरी है क्या प्रोड्यूस करना? नहीं ना, नहीं। तो उस समय इस ऑपेरोन को ऑन होना चाहिए या फिर ऑफ होना चाहिए? वेरी गुड, बहुत साल जी तुम लोग, ठीक है, वेरी गुड, ओके। व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, है ना, जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो भैया हम ग्लूकोज को फॉलो करेंगे ना, लैक्टोज को, लैक्टोज की तरफ तो हम देखेंगे भी नहीं, ताकेंगे भी नहीं, है ना। तो एट दिस पॉइंट द लैक्टोज ऑपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ, लैक्टोज ऑपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ रहेगा, है ना, बंद रहना है इस कंडीशन में। कैसे बंद रहेगा देखेंगे, ठीक है, देखेंगे कैसे बंद रहना है। कि दिस इज रेगुलेटर, जो जरूरत है वही हम बना रहे हैं, ठीक ना। प्रोमोटर है, ऑपरेटर है, लेक जेड है, वाई है और ए है, ठीक ना, यही हम बता रहे हैं, ओके। रेगुलेटर क्या प्रोड्यूस करना है यहाँ पे, रिप्रेसर जीन बनाना है, रिप्रेसर जीन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज रिप्रेसर प्रोटीन है, फाइन। कैसे बना होगा ये, डायरेक्टली नहीं बना होगा, इस रिप्रेसर जीन ने क्या करा होगा, पहले mRNA बनाया होगा, है ना, और mRNA से ट्रांसलेशन किया होगा, ठीक है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन हुआ यहाँ पे, ट्रांसलेट, फाइन, ओके, रिप्रेसर प्रोटीन बना। अब ये रिप्रेसर
है फ्री टू रिएक्ट. दिस रिप्रेसर प्रोटीन इज फ्री टू रिएक्ट. सो व्हाट दिस रिप्रेसर प्रोटीन डस, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर जाना है ऑपरेटर रीजन पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे. सो ये आके यहाँ पे बाइंड कर जाता है. देखो ठीक ना, ये हो गया आपका रिप्रेसर प्रोटीन, बाइंड कर गया कहां पे, प्रोमोटर ऑपरेटर पे, बाइंड्स एट प्रोमोटर ऑपरेटर, फाइन. अब बताएंगे क्या इसके जगह पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर पाएगा. माय क्वेश्चन इज क्या इस जगह पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर पाएगा. नो, क्योंकि यहाँ पे तो जगह ठेक रखा है, ब्लॉक कर रखा है प्रोमो इसने रिप्रेसर प्रोटीन ने. सो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड कर पाएगा. फाइन, जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ेगा ही नहीं. जब आगे की ओर बढ़ेगा ही नहीं है ना, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा है ना, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज नहीं है. नो ट्रांसक्रिप्शन मींस नो ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन भी नहीं होना है. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लेक ऑपेरॉन इज ऑफ है ना, यहाँ पे लेक ऑपेरॉन बंद है. और यहाँ पे बंद किसके चलते है, यहाँ पे बंद है कोई प्रोटीन के बाइंडिंग के चलते है ना. कोई प्रोटीन बाइंड किया, कोई चीज यहाँ पे जाके बाइंड कर रहा है और ये ऑपेरॉन बंद हो गया. तो इस प्रकार के रेगुलेशन को हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली कंट्रोल्ड लेक ऑपेरॉन है ना. दिस कंडीशन कैन बी कॉल्ड एज नेगेटिवली कंट्रोल्ड लेक ऑपेरॉन है ना, नेगेटिवली कंट्रोल्ड लेक ऑपेरॉन कहेंगे इसको. फाइन, सो ये तो हो गया आपका स्विच ऑफ है यहाँ पे. ठीक है, अगले क्लास में हम बताएंगे ठीक ना. ओके, अगले क्लास में हम बताएंगे इंड्यूसिबल लेक ऑपेरॉन. सेम चीज है यहाँ पे, लेकिन इसको इंड्यूस किया जा सकता है, इसको स्टार्ट किया जा सकता है, इनिशिएट किया जा सकता है. फाइन, तो कैसे किया जाएगा इनिशिएट इसको, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. फाइन, कोई डाउट सर, एग्जाम में कहां तक आएगा? एग्जाम में कौन सा एग्जाम, कल है ना, टील डॉट लिखा होगा ना वहां पे, टील डॉट है ना, तो आज हम जितना पढ़ाए उतना तक आएगा. फाइन, सिर्फ मॉलिक्यूलर बेसिस आ रहा था, 90 क्वेश्चन होगा उसका. क्या लिखा हुआ सिलेबस में, क्या क्या है? बस यही चैप्टर है और कुछ नहीं है. यही चैप्टर है और कुछ नहीं है ना, तो आज जितना तक किए हैं उतना तक आएगा. फाइन, ओके, और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? So, today's date is how much? 29 ना? अरे यार गड़बड़ हो गया. 29/08. ठीक है, अगले क्लास में हम डील करेंगे आपको इंड्यूसिबल लेक ऑपेरॉन. ठीक ना, इंड्यूसिबल लेक ऑपेरॉन करते हैं हम लोग. आज 3 PDF हो गए, 3 हुआ ना? हाँ सर. ठीक है, चलिए तो साइन ऑफ कर रहे हैं, है ना? ओके सर. Thank you.